सबका सलाम अलैकुम। मैं जो भी तीन तलाक के बारे में, कोई हमारी माँ बहनें इसे पसंद नहीं करेंगी, और दूसरा ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी बात है, हमारे शोहर जितने भी भाई बहन और बेटे जवाई जो भी लोग हैं हमारे यहाँ पे इस्लाम के, सब इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये कल का ऐरा गैरा जो भी है ये हमें सिखाएगा, हम सीखेंगे नहीं और हम भड़केंगे नहीं। हाँ, हमारे माँ बहनों को भी अल्लाह ताला बहुत से ये दिया हुआ है, नॉलेज दिया हुआ है, हम इस्लामों के खिलाफ नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है, ये और तो आदमियों के लिए बहुत ही बुरा शर्मनाक है कि हमारे मर्दों के लिए ये बोले, हमारे मर्दों के लिए ये ऐसे बोलेंगे, जो हमारे बच्चे और अभी जो बहुएं आएंगे, बेटियां आएंगे, सब हमारे वो भड़काऊ भाषण दे रहा है। किस लिए? वोट के लिए। ये हमारे बहनों को भड़काने के लिए, ये वोट के लिए, हमारा इस्लाम के लिए ये बुरा सब भला बोलने वाला एक होता है कौन है। लेकिन हम लोग, मेरे बहनों को मैं यही बोलूँगी कि हम लोग इस्लाम का फॉलो करेंगे। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, तीन तलाक देने का है कैसे, जो औरत जो बदसलाकी करती है आदमी से, उसके लिए तीन तलाक का दिया हो, क्यों? एक तलाक में सुधर जाए, दूसरे तलाक में सुधर जाए, तीसरे तलाक में एक हो जाए। ये सोच के अल्लाह ताला ने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत तरीके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, और ऐसे ही हुक्म औरतों आदमियों को भी दिया हुआ है कि औरतों को तीन बार माफ़ करने का। तो हम शरीयत छोड़ गए, हम इस्लाम छोड़ गए, इसमें फॉलो करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे। हमारी जान दे देंगे हम लोग अगर इस्लाम को कभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये शहादत देंगे औरतें शहादत दे देंगे अगर कभी इसी का बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन हमारी इस शरीयत में किसी को भी दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। और रही तलाक की बात, तो ये हमारे हुजूर ने हमारे लोगों के लिए ये कायम किया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया है। तो हमारे लोगों के बीच में और किसी मजहब को बोलने का कोई हक नहीं, हमारे शरीयतों को बोलने का कोई हक नहीं। हम किसी की शरीयत में नहीं जाते, हम किसी के कौम में नहीं जाते हैं कि हमारे उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लोगों को भी ये चाहिए कि हमारे शरीयत में दखल अंदाजी ना करें। रेड बटन बंद करो। शायद उन्होंने मुसलमानों के जज्बे को समझा नहीं है। ये तीन तलाक हमारे जो मुद्दे आ रहे हैं, छोटे मोटे तीन तलाक हो और कोई भी मसाइल हो, हमारे शरीयत के जो भी मसले हैं, वो जो है हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जो है ये 1400 साल से हमारा चलते आ रहा है इस्लाम के ऊपर। आए दिन कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई मसाइल लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस कौम के अंदर जो ईमान रखने वाले मर्द मुजाहिद हर वक्त हर दौर के अंदर जिंदा रहते हैं, और जब कभी भी शरीयत के ऊपर उसका हमला होता है, जब कभी भी शरीयत के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात होती है और ये लोग शरीयत के अंदर खेलना चाहते हैं, तब ऐसे मर्द मुजाहिद मैदान में उतर के उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और वो आवाज उनमें से कुछ मर्द मुजाहिद जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद एनसीपीआई, जिंदाबाद जिंदाबाद एनसीपीआई, जिंदाबाद। हमारे खाने पीने में कटौती कर दो चलेगा, घूमने फिरने में कटौती कर दो चलेगा,
महंगाई बढ़ रही है, सबको मार पड़ रही है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं पड़े। ठीक है, जैसा है हालात हम चला लेंगे, हर चीज बर्दाश्त है, हर चीज को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि चाहे हमारी उसमें जो भी तवज्जो हो, जो भी कोशिश हो, हम आखिरी सांस तक उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सबको अभी तो ये मजलिस बहुत छोटी लग रही है, हम ये सोचते हैं कि इतनी छोटी मजलिस से होगा क्या। छोटी मजलिस अगरचे लग रही है, लेकिन आपने एक वाकया सुना होगा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे तो एक औरत भी खरीदने के लिए आई थी जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपना बाल लेकर आई थी। लोगों ने कहा कि तू अपना बाल लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने चली है, इतने बड़े बड़े बादशाह यूसुफ को खरीदने आए हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, उस औरत ने यही जवाब दिया, जब कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में सबकी पेशी होगी और अल्लाह ताला पूछेगा जब मेरा यूसुफ बेचा जा रहा था तो कौन कौन आया था खरीदने, तो उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो ये SDPI, ये जो नौजवान कमेटी है, इन लोगों ने जो प्रोग्राम छोटा सा रखा है, कल अल्लाह ताला जब हमसे ये पूछेगा कि जब ये लोग कदम उठा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तो हम उसी लिए यहाँ आए हैं कि जो मसला हमारे सामने, अभी हमारे भाई ने बहुत तफसील से बातें की हैं, कुरान अल्लाह ताला ने जो हम सब के लिए भेजा है, ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए नहीं भेजा, कुरान अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी के लिए भेजा है, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। और 1400 साल पहले से और कयामत तक आने वाले जितने लोग होंगे, सबके लिए एक निज़ाम हयात है, एक निज़ाम जिंदगी है, कभी उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता और कभी उसमें बदलाव आएगा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा वा इन्ना लहू लहाफिज़ून, यानी इस चराग को हमने जलाया है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाज़न, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अगर ये कोई चाहे कि हम कुरान को बदल दें या कुरान में कोई तहरीफ कर दें, तो अल्लाह कह रहा है कि इस कुरान को मैंने भेजा है, इस कुरान को मैंने उतारा है, इस चराग को मैंने चलाया है, दुनिया की कोई ताकत इसमें हर्फ बहर्फ बदल नहीं सकती, एक जबर जेर का फर्क नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अगर कोई चाहे इसमें हम बदल दें तो इंशाअल्लाह वो बदला नहीं जा सकता। और SDPI वालों के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, गुजरात में इन्होंने क्या किया, मुजफ्फरनगर में क्या किया, बिल पर लाकर क्या किया, बाबरी से दादरी तक क्या किया, चलाकर क्या किया, हल्ला बोल, जोर से बोल, 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 हल्ला बोल।